आजकल तरह तरह की बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। इस दौरान लोग भी खुद को स्वस्थ रखने के लिए तमाम प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में कभी बीमार ना पड़ें, तो ये 10 आदतें आपकी मदद कर सकती हैं। इन आदतों को अपनाकर आप न सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, बल्कि खुद को फिट भी रख सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर नरसिंह वर्मा से जाने आखिर कौन सी है वो 10 आदतें जिनको अपनाकर हम अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार घड़ी है, उसी प्रकार से हमारे देह में भी एक घड़ी है, जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उस क्लॉक का नियंत्रण हमारे ब्रेन में है। सुपरा चियाजमेटिक न्यूक्लियस कह के एक बहुत छोटी सी ग्लैंड है, जो कि हमारे शरीर की घड़ी को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर की घड़ी सूर्य के हिसाब से चलती है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं और हमारी आँखों के माध्यम से उस घड़ी के केंद्र तक पहुँचती हैं, और उससे पूरे शरीर की घड़ी नियंत्रित होती है। तो प्रकृति के हिसाब से हमें सूर्य के हिसाब से चलना चाहिए। जो आपने कहा 10 बातें, पहली बात, सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रात भर खाली पेट रहे हैं, तो सुबह हमें हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं सुबह होने पर, जिसमें कॉर्टिसोल मुख्य है, उसके प्रभाव में हमें भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो सुबह का नाश्ता जो लोग स्किप करते हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और बहुत सी इस प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि रात का खाना प्रत्येक दशा में 7 बजे के पहले हो जाए। क्यों? क्योंकि रात में डाइजेस्टिव हार्मोन नहीं निकलते, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनते, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, ग्लूकागन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। बहुत से हार्मोन रात में निकलते हैं जो सोने के लिए हैं, शरीर को आराम देने के लिए हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए नहीं है। तो रात में भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे लीवर को कम से कम 14 घंटे का आराम चाहिए, शाम को 7 बजे से सवेरे 8-9 बजे तक लीवर को आराम चाहिए। लीवर को अगर आराम मिलेगा तो शरीर के तमाम रोगों को रोकने की क्षमता लीवर के अंदर है। जब उसे आराम नहीं मिलता तो मोटापा होता है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तीसरी चीज़, जब भी हम भोजन करें तो भोजन बहुत धीरे धीरे करें। भोजन करने की रफ्तार जब धीमी होती है, हम देर तक चबाते हैं, तो सलाइवा ज़्यादा बनता है, और सलाइवा में वो एंजाइम होते हैं जो हमारे ब्रेन को इस बात की खबर करते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन आंतों में पहुंचने वाला है, और ब्रेन तमाम तरह के सिक्रीशन कराता है जो भोजन को हजम करने के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़, भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, क्योंकि अगर हम पानी पी लेते हैं तो भोजन हमारा डाइल्यूट हो जाता है, और हमारे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, और पाचन क्रिया बाधित हो जाती है, और एसिड जो निकला है वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक से भोजन हजम नहीं हो पाता। पांचवी चीज़ जो आवश्यक है कि भोजन प्रत्येक दशा में एक बार में जितनी क्षमता है, जितनी भूख है, उसका आधा ही होना चाहिए, भूख को छोड़ देना चाहिए। जब भोजन कम होगा, पेट आधा भरा होगा, तो उसके बाहर निकलने की संभावना कम हो जाएगी, और आंतों के अंदर, पेट के अंदर इतनी जगह होगी कि भोजन का मंथन हो सके। अगर ऊपर तक भर लेंगे, अगर आपने हांडी ऊपर तक भर ली है मक्खन की, तो अगर उसे मथना चाहेंगे दही को, तो बाहर निकलेगा। वही स्थिति आंतों की है, स्टमक की है, आमाशय की है। तो आधा ही पेट भोजन होना चाहिए, भरपेट नहीं होना चाहिए। छठी चीज़ ये है कि आपके भोजन में 85% सलाद, सूप, दाल, दही, सब्जी, फल, अंकुरित अनाज होना चाहिए। 15% जो बचा, उसी में रोटी, बोटी और चावल। बोटी से मेरा तात्पर्य नॉन वेजिटेरियन डाइट से है। 15% वो लें, 85% ये लें। भोजन में कोई चीज़ मना नहीं है, आलू से कचालू तक हर चीज़ खाएं,
केला खाएं, फल खाएं, कोई चीज़ नहीं मना। मैं कहता हूँ किशमिश से छुहारा तक, आलू से आलू बुखारा तक हर चीज़ खा सकते हैं, मना कुछ नहीं है। केवल तंबाकू मना है और अल्कोहल मना है, दोनों अखाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ नहीं है। अगली चीज़ जो बताना चाहूँगा वो ये है कि नींद अच्छी होनी चाहिए। हमारा देश सोया नहीं है, हिंदुस्तान 50 साल से जग रहा है, अनावश्यक जग रहा है। जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं वो जग रहे हैं, जो नाइट ड्यूटी नहीं कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पढ़ने के लिए जग रहे हैं, वीडियो देखने के लिए जग रहे हैं, अनावश्यक जग रहे हैं। जो अनावश्यक जगना ब्रेन के न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, न्यूरॉन्स जल्दी थक जाते हैं और उनको बहुत नुकसान पहुँचता है जी। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, शुरू में भोजन में 4 स्वाद होते थे, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन। 5वां स्वाद हमारे देश में भेजा गया हमें बर्बाद करने के लिए, वो है उमामी, अजीनोमोटो। और ये 5वां स्वाद ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, ये 5वां स्वाद ब्रेन थक जाता है, हमारे हायर कार्टेक्स को प्रभावित करता है और ये युवाओं को अधिक हिंसक बना रहा है, उन्हें अधिक उत्तेजित कर रहा है। और यही कारण है एक बार जो फास्ट फूड खा लेता है वो हमेशा फास्ट फूड मांगता है, वो पिज़्ज़ा खाते हैं और हमारी पीढ़ी के लोग पिज़्ज़ा देख करके भाग खड़े होते हैं, क्यों, हमने वो स्वाद चखा ही नहीं। तो अजीनोमोटो को हमारे समाज से हटाना होगा, ये 5वां स्वाद हटाना होगा, ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है, ब्रेन को घायल कर रहा है, हमें हिंसक बना रहा है, हमें उत्तेजित कर रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं था। और आश्चर्य की बात यह है, जिस देश में फास्टेस्ट फूड अवेलेबल था सत्तू के रूप में, 15 सेकंड में तैयार होने वाला सत्तू, उस देश में 2 मिनट में पकने वाली मैगी कहाँ से आ गई, यह हमें सोचना होगा। 56 प्रकार के व्यंजन वाला देश आज फास्ट फूड के आगोश में कैसे आ गया है, इस पर विचार करना होगा। और अंतिम चीज़ है डी स्ट्रेसिफिकेशन, तनाव को कम करना। तनाव तब कम होता है जब हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं, हम किसी की नकल नहीं करते, हम वो करने का प्रयास नहीं करते जो हम नहीं कर सकते, हम वो करने का प्रयास करते हैं जो आसानी से कर सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं होता। सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं, क्लास 3rd में, 4th में, 1st में, 2nd में टॉप करने की पोजीशन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। टॉप तो कोई एक करेगा, सब टॉप नहीं कर सकते।